अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? आज हम लेकर आए हैं जी आप लोगों के लिए एक अनबॉक्सिंग की वीडियो। जैसे कि हमने कहा था उसको काफी दिन हो गए, काफी सारे लोग इंतजार भी कर रहे हैं, काफी सारे हम थोड़े से बिजी थे इसलिए अपलोड नहीं कर पाए। नहीं क्या कहते हैं, सॉरी वीडियोस लाइन अप थी, दैट्स व्हाई अपलोड रेसिपी लाइन अप रेसिपी नहीं, हमारी वीडियोस लाइन अप थी, दैट्स व्हाई उसको हम अपलोड नहीं कर सके। और हम क्या लेकर आए थे प्रिया? हम एक लेकर आए थे मिक्सर ग्राइंडर लेकर आए थे और एक मशीन है जो किचन में इस्तेमाल होती है, छोटी सी मशीन है प्यारी सी, तो मुझे वो अच्छी लगी, वो मैं लेकर आई थी। पहली बार अकेली गई थी लेने के लिए, अकेली नहीं, अब्बू के साथ गए थे, लेकिन ये कि शॉप पे हम अकेले गए थे। और क्योंकि आपको पता है सदर में पार्किंग का बहुत इशू है, अगर आप गाड़ी छोड़ के चले जाए ना तो वो उठा के ले जाते हैं। अब्बू ने कहा मैं नहीं जाऊँगा भाई, तुम दोनों चले जाओ अंदर ना। तो खैर हम लोग गए थे गुल प्लाजा और वहाँ से लेकर आए। तो मैंने कहा था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जो मैं नहीं दिखा भाई, तो आज दिखा रहे हैं आप, आज दिखा रहे हैं। और अच्छा मैं बता दूँ कहाँ से ली थी? गुल प्लाजा बता तो दिया भी मैंने, कहाँ गुल प्लाजा से ली थी बताया था मैंने। अच्छा गुल प्लाजा से ली थी और मुझे ना ही शॉप का नाम याद है, ना ही मुझे ये याद है कि हमने उनका कार्ड भी नहीं दिया। बस यार जो सूटकेस की जो शॉप्स आती है ना, उसके बाद जो पहली शॉप आती है ना जिनके फ्रंट रोड पे है। मतलब गुल प्लाजा वाली फ्रंट नहीं, इस साइड पे जो सदर वाला रोड जा रहा है ना, उधर से हम लोग गए थे अंदर और पहली शॉप पे गए हम, पहली शॉप से हम लेकर बाहर आ गए। हाँ लेकर आ गए थे और मशीन अब आपके साथ शेयर करते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ साथ उसका रिव्यू बताते हैं कि वो हमें कैसी लगी। तो चलें अनबॉक्स करते हैं। हम लोग गए थे गुल प्लाजा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, तो गुल प्लाजा से हम एक ये मशीन भी लेकर आए थे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत थी। तो कुछ ये इस तरह से है, मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर लिया है हमने। और ये जो कंपनी है हमारे लिए नई है, वेस्टिंग हाउस। हाँ ये वेस्टिंग हाउस है और ये हमारे लिए नई है, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। अगर हाँ इस कंपनी के आपने कोई प्रोडक्ट, मैंने इस कंपनी का कुछ भी कभी इस्तेमाल नहीं किया। और मैं गई थी पैनासोनिक की लेने के लिए, वो मुझे मिली नहीं वहाँ पर। और इसके अलावा अच्छा मैंने बहुत सारी वहाँ पे देखी और मशीन्स ना, तो ये इसलिए ली क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी थी। बाकी निकालते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा इसका कोड भी दिखा दूँ मैं, ये इसका कोड है और 3-in-1 है वेस्टिंग हाउस मशीन का वो है और ये मिक्सर ग्राइंडर है। ठीक है मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। अच्छा मैंने वहाँ पर बहुत सारी देखी थी और भी, और मुझे स्टील में ही चाहिए थी एक्चुअली इस बार, क्योंकि ना हम बाकी वो प्लास्टिक में तो लेते रहते हैं, वो हर 2 साल के बाद मुझे ज़रूरत पड़ती है चेंज करने की, क्योंकि 2 साल के अंदर बेचारी की जान निकल चुकी होती है। तो इसको मैं अच्छे से निकाल लेती हूँ और ये पर्पल कलर में ही मुझे अच्छी लगी थी। इसमें एक पूरा वाइट कलर भी था, वाइट कलर था लेकिन उसकी मशीन बहुत बड़ी थी, सेम कंपनी में था और तो मैंने वो नहीं लिया। है और इसको बॉक्स में नीचे रख दूँ, इसके अंदर इसके कवर हैं, कैप्स है ना, सब निकाल लो, बॉक्स साइड पे कर दो ये वाला। अच्छा जी, अच्छा ये कुछ इस तरह से, और ये जो इसका जग है ना सबसे बड़ा जो जग है ये है 100
800 ml का हैगा ये सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला जो हैगा ये 800 ml का हैगा। इसके अलावा ये दो और जार्स हैं इसके, इस तरह से ये मतलब ये छोटा वाला जो है इसके अंदर आप वो पीस सकते हैं मसाले वगैरह जो होते हैं ना, तो मुझे ये छोटे में ही चाहिए था। अक्सर ये ऐसा होता है कि हम बड़े साइज की जो लेते हैं ना, काफ़ी शार्प है, हाँ बड़े साइज की जो लेते हैं उसके अंदर हम बहुत थोड़ा थोड़ा सा मसाला नहीं पीस पाते हैं। सही है, तो एक ये है और एक ये वाला साइज है आपका, इसके अंदर आप लहसुन अदरक और ये सब चीज़ें पीस सकते हैं। वैसे इन तीनों चीज़ों में ही पीस सकते हैं आप ये सारी चीज़ें, हाँ और काफ़ी अच्छे इनके ब्लेड्स हैं, शार्प है। और अच्छा ये इसलिए लिया, ये ना बाकी जितने भी थे ना, जैसे मैंने वेस्ट पॉइंट देखा था, इसके अलावा मैंने एनएक्स भी देखा था, तो उन सबसे ज़्यादा हैवी थी ये और इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी। वो तो आप जब सामने से लेते हैं ना कोई चीज़ तो आपको समझ में आता है, तो ये ज़्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी थी। तो इसके अंदर ये तीन साइज़ हैं। अच्छा इसका मैं पर्पज़ बता दूँ आपको, ये मसाले वगैरह पीसने के लिए सबसे छोटा जो है, छोटा वाला, छोटा वाला क्यूट सा, इसके अंदर आप मसाले वगैरह पीस सकते हैं, मतलब आप वो पीस सकते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट पीस सकते हैं, इसके अलावा आप इसके अंदर प्याज वगैरह पीस सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें, या फिर अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप मसाले पीसना चाहते हैं तो इसके अंदर भी पीस जाएंगे आराम से। इसके अलावा ये जो जग है ना, ये इसके अंदर आप, आपको पता है मिल्कशेक वगैरह बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ ग्राइंड करनी हो वो सब आप कर सकते हैं। अच्छा ये छोटा है ना? हाँ ये छोटा है। अच्छा छोटा मैंने इसलिए लिया है, बहुत सारे लोग बोलेंगे इतना छोटा क्यों लिया, जिनकी छोटी फैमिली वो लोग ले सकते हैं। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने अपने चैनल के लिए लिया है ये, ख़ास तौर पर घर के यूज के लिए है हमारे पास मौजूद, क्योंकि हमारी भी बड़ी फैमिली है, हम लोग बड़े बड़े जग्स में बना रहे होते हैं मिल्कशेक वगैरह, लेकिन चैनल के लिए मुझे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना होता, एक या दो गिलास, तो वो मेरे लिए सूटेबल था ये। और स्टील में लेने का मकसद ये भी है कि ना वो जल्दी ख़राब ना हो। अच्छा हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है, हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है जो भी हम लेते हैं ना, उसकी जो ये प्लास्टिक का जो ये होता है जार होता है ना, वो टूट जाता है अक्सर, वो क्रैक हो जाता है, वो हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है, हर दूसरे साल हमें चेंज करना पड़ता है। तो मैंने सोचा मैं अपने चैनल के लिए अलग से ही लेके रखूं, ताकि वो उसी के अंदर ही मतलब यूज़ हो, और फिर वो सेफ भी रहेगा, थोड़ा चल भी जाएगा, एटलीस्ट 3 से 4 साल तो चल ही जाए। हाँ बिल्कुल। और इससे मैं आपको कैप दिखा दूँ, ये एयर टाइट हैंगे, इस तरह से लग जाते हैं ये। सही है, कैप्स के साथ बहुत प्यारा लगता है ये, मैंने लगाया नहीं सही से, पूरा नहीं लगाया, ताकत लगती है ना ये, अब बैठा है, अब बैठा है, और कैप के साथ इसका लुक बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा ये क्यूट बहुत लगा सबसे अच्छी बात ना, हाँ ये हमें बहुत प्यारा लगा था। और इसमें ना एक बड़ा साइज भी है जिसके अंदर 1 लीटर का जग हैगा, स्टील का ना, वो वाइट कलर में था, लेकिन उसमें ना उसकी जो ये मशीन थी ना थोड़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, मतलब ये ज़रा इतनी ऐसे आ रही है ना, वो बहुत लंबी सी थी, तो मैंने कहा स्पेस का क्योंकि मुझे बड़ा इशू रहता है, तो इस वजह से मैंने ना वो वाली नहीं ली, मैंने कहा आप यही दे दें, क्योंकि मैं जाहिर सी बातें अपने लिए ले रही थी, अपने यूज़ के लिए, मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ बनाती तो हूँ नहीं, नॉर्मल क्वांटिटी में बनाती हूँ, तो ये मेरे लिए बिल्कुल सही था मेरे और ये आइडियल है। अब चलें अब इसको इस्तेमाल करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, और आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। अच्छा कुछ इसमें बनाने से पहले मैं भूल गई थी, मैंने आपको इसके प्राइस नहीं बताए हैं, तो इसके प्राइस हैं 8,500 रुपये का हमने ये लिया है, 8,500 रुपये का लिया है, ठीक है। और ये हमने लिया था गुल प्लाजा से, उसकी मुझे शॉप का नाम नहीं पता, बिल्कुल फ्रंट पे ही जो पहली शॉप पे हम गए, और मतलब जो बैग्स की शॉप आती है ना गुल प्लाजा पे पहुंचने के बाद, जो सूट केस और ये वाली शॉप आती है, आप जैसे ही पहली गली में जाएंगे ना तो पहली शॉप ही आएगी जहाँ पे ये सारी इस तरह की मशीनरी वगैरह, जी बिल्कुल बिल्कुल, और वहीं पे से जाके हमने सर्च करके ये ले लिया, तो हमें अच्छी लगी क्वालिटी, तो हम लोगों ने ये ली। अब आगे कितनी चलेगी तो आप लोगों के साथ हम आपको पता ही है शेयर करते ही रहेंगे और आप लोगों ने ये ज़रूर बताना है, आप लोगों ने ये कंपनी कभी भी यूज़ की है ना तो ये आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि ये कैसी है, क्योंकि हम इसके साथ पहली बार काम, हाँ हमारा पहला एक्सपीरियंस होगा ये। तो भाई मुझे इधर समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके अंदर क्या पीसूँ, तो मैंने सोचा चलो चीनी ही पीस लेते हैं, क्योंकि चीनी पीस के देख लो तो समझ में आ जाता है नॉर्मली। अच्छा जो दूसरी मशीन्स होती हैं ना उसके अंदर भी मैं अगर चीनी वगैरह पीसूँ तो मुझे उसको छानना पड़ जाता है, क्योंकि वो इतनी बारीक नहीं पिसती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था, और जस्ट ये 10 सेकेंड के अंदर ही ये चीनी जो है बहुत अच्छे से पिस गई थी, बिल्कुल बारीक हो गई थी और बिल्कुल पाउडर की तरह हो गई थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, और आप ये देखें मैंने वीडियो को ज़रा सा भी फॉरवर्ड नहीं किया, ये 10 सेकंड के अंदर ही
ये पिस के तैयार हो गई थी। बस दो बारी मैंने इसके बटन को मतलब ऑन ऑफ किया था, क्योंकि होता है ना कि नई नई मशीन होती है तो आप इसको थोड़ा सा रुक के चलाना चाहिए कि 10 सेकंड आपने चला दिया, उसके बाद रोक दिया, फिर उसके बाद 10 सेकंड चला दिया। इसी तरह से मैंने बस दो बारी इसको घुमाया था और ये बहुत अच्छे से पिस गई थी, बिल्कुल बारीक हो गई थी। मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी, मैंने कहा चलो माशाल्लाह से अच्छी चीज़ आ गई घर के अंदर। तो देखिए मैं इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, अब मैं दिखाती हूँ आपको खोल के, मैं हाथ में लेके दिखाऊंगी। मैंने सबसे पहले इसको चेक किया और ये बिल्कुल, इसको ना छानने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है छानने की ज़रूरत। ये देखिए परफेक्ट बन के तैयार हुई है चीनी। और इसके अलावा मैं आगे यूज़ करूँगी तो आप लोग देखते रहेंगे व्लॉग्स में, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ, अपनी रेसिपीज़ वगैरह या और भी जो भी चीज़ें बना रही होती हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इसकी स्पीड 3 तरह की हैगी, लेकिन मैंने 1 स्पीड के ऊपर ही इसको पीसा था, सेकंड और थर्ड पे मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये मशीन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों को वेट था ना, जिन्होंने कमेंट करके पूछा था और उनका नहीं आया कमेंट, बस देख लेना कमेंट आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और कैसी लगी आपको ये हमारी ये मशीन, छोटा सा क्यूट सा ग्राइंडर हमारा, कैसा लगा और वो बता देगा। उसके अलावा इसकी प्राइस बता दो अगेन। हाँ, ये मैंने ली थी 8,500 की, और अगर महंगी ली है तो भाई मुझे नहीं पता, उन्होंने इतने की दी, मैंने बहुत कम कराने की कोशिश करी, खैर उन्होंने कहा यही प्राइस चल रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा कम, लेकिन नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी है कि मैं इसको 2 से 3 बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ इन 2-3 दिनों के अंदर। हाँ, जो ये आपने वीडियो देखी है ना, ये हम जब अनबॉक्स कर रहे थे तभी हमने रिकॉर्ड, हाँ ये हमने बना ली थी, और अभी जो हम बात कर रहे हैं तो ये आज की वीडियो है। और 2-3 दिन में मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। चटनी बनाई थी, माशाल्लाह बनी थी, और सिल वाली छुट्टी हो गई भाई। हाँ, अच्छी मशीन है, आप लोग भी जाके ले सकते हैं। और ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, मैं वैसे ही बता रही हूँ, आप लोगों को पता ही है ना, मैं वैसे भी बहुत सारी चीज़ें बता देती हूँ, ज़रूरी नहीं है उसके पैसे मिले मुझे। और मेरा अच्छा हाथ हिल रहा है, चलो एंड कर दो इस वीडियो को, एंड कर देते हैं यहीं पे, कर देते हैं अपनी वीडियो को एंड। आप लोगों ने बताना है आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।